अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आज हमारे किचन में बन रहा है काली मिर्ची, हैदराबादी काली मिर्ची का सालन, जो हैदराबाद में जो बनता है ना काली मिर्ची का सालन, तो वो बना रही हूँ मैं आज। 300 ग्राम मटन ले ली मैं, और ये अदरक लहसुन हल्दी नमक गरम मसाला तेल और साफ डली प्याज को कट कर ली, और दो हरी मिर्ची ले रही हूँ। देखिए यहाँ पर कुकर रखी थी मैं, गरम हो चुका है। अभी मीठा तेल डाल देंगे हाफ कप, और ये गरम मसाले में देखिए थोड़ी सी खट्टा है, इलायची है, तो कबाब चीनी में अच्छा दिखता है, ये कबाब चीनी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सालन में, तो ये कबाब चीनी भी ली मैं। इसको फ्राई होने देंगे, अपने प्याज हरी मिर्ची डाल दी थी इसमें फ्राई करते हैं। प्याज का कच्चापन गया था, हम इसको भूनेंगे। मटर डाल दिए हैं, और ये जो है अदरक लहसुन है 1 टेबल स्पून, 1/4 टीस्पून से थोड़ी बढ़ती हल्दी है, 1 टेबल स्पून नमक है, चीज़ें डाल के मिक्स कर देंगे। मिक्स कर देंगे इसको, अब मैं उसमें 1 गिलास पानी डाल रही हूँ, डाल के इसका लिड बंद कर देंगे। अभी हमने ये कुकर का ढक्कन खोला है, देख सकते हैं आप। अब मैं इसमें काली मिर्ची ऐड करें, 1 टेबल स्पून काली मिर्ची पाउडर ले रही हूँ, डाल देंगे और उसको मिक्स करेंगे। देख सकते हैं आप तेल बाहर आ रहा, थोड़ी देर में हो जाता है। देख सकते हैं आप हमारे सालन की लुक। अब इसमें 2 पिंच इसमें गरम मसाला पिसा हुआ डाल रही हूँ, और एक थोड़ी सी कोथमीर डाल रही हूँ। धोली गरम मसाला कोथमीर सो लेंगे, और फिर 1/2 लेमू ले लूँ मैं, लेमू इसमें निचोड़ेंगे हम और ढकेंगे। लेमू से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और ये सालन बहुत टेस्टी बनता, रोटी के साथ खाने, वाइट राइस के साथ आप खा सकते, सर्दियों में गर्मियों में कभी भी खा सकते, सर्दियों में बहुत टेस्टी लगता है सालन। मिक्स कर देंगे इसको, सालन की लुक देखिए आप। 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ी हूँ, नींबू डालें हम। देख सकते हैं आप हमारी काली मिर्ची के सालन की लुक, दम पे रखने की रेडी है। अभी सर्व के लिए सर्व करके बताऊंगी मैं आपको, वो टेस्टी बनता, आप लोग ट्राई कीजिए इसको।